नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और खैर मकदम करता हूं आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में। दर्शकों, संसद का आगामी मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही संसद और इसके कुछ नियम जो आगामी सत्र के लिए बनाए गए हैं उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद है कुछ शब्दों को लेकर जिसे असंसदीय ठहरा दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था, तब तक संसद के इस आगामी सत्र के लिए बनाए गए एक और नियम ने तूल पकड़ लिया। नया नियम यह है कि संसद सदस्य संसद परिसर का उपयोग किसी भी तरह का धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल और धार्मिक आयोजन के लिए नहीं कर सकेंगे। इस नए नियम के लिए सभी माननीय सदस्यों को सहयोग करना आवश्यक है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया। इस बात पर हमलावर होते हुए कांग्रेस नेता और संसद सदस्य जयराम रमेश ने संसद की नियम चिट्ठी को ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया नाम धरना ब्रैकेट में एच है। अगर आप उस ट्वीट को जाकर देखें, नहीं तो वो बनता है डरना मना है। इन नए नियमों ने आगामी मानसून सत्र को हंगामा पूर्ण बनाने की नींव रख दी है, या यूं कहें कि ये आगामी सत्र कितना हंगामेदार रहने वाला है इसकी स्क्रिप्ट इन नियमों के तहत लिखी जा चुकी है। संसद का एक नियम तो समझ आता है कि जो भाषा संसद और लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाए वो संसद के रिकॉर्ड में ना जाए, जिससे लोकतंत्र और सदन दोनों की गरिमा अक्षुण रहे। लेकिन सदन में सभी तरह के हड़ताल और विरोध व्यक्त करने की प्रथा पर रोक लगाना क्या लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा विरोध व्यक्त करने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगाता? आखिर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में सरकार के नियमों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त या संसद में सरकार द्वारा जो नीतियां लाई जा रही हैं उसके खिलाफ अपना रोष व्यक्त नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? अब कुछ दर्शक सोच सकते हैं या सोच रहे होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि सदन के अंदर अपना रोष व्यक्त करें, सदन परिसर में रोष व्यक्त करने से क्या फायदा? लेकिन थोड़ा ठहरिए और फिर सोचिए कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सदन के भीतर अपना रोष व्यक्त करने में कैसे असमर्थ हो जाते हैं। इसको आप कुछ इस तरह समझिए, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले इसकी जिम्मेवारी सरकार, सदन के स्पीकर और अंत में विपक्ष पर निर्भर करती है। ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा की दिवंगत नेत्री, देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने कहा था। सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होती है संसदीय कार्य मंत्री की, और संसदीय कार्य मंत्री ही एक सेतु की तरह कार्य करते हैं सरकार और सदन के बीच। अब एक बात आप समझिए, सदन की कार्यवाही शुरू हुई प्रश्नकाल से, फिर आया शून्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद सदन में प्रस्तावित किसी खास विषय जो देश हित के लिए प्रस्तावित हो उस पर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन विपक्ष ने चर्चा के किसी दूसरे नियम के तहत किसी दूसरे देश हित के विषय पर चर्चा की मांग कर दी। तो ये सब निर्भर करता है सदन के स्पीकर और सभापति महोदय के विवेकशीलता पर कि वो विपक्ष द्वारा जिस विषय पर चर्चा की मांग की जा रही है उस पर सदन विपक्ष को चर्चा की मंजूरी देता है कि नहीं। इस बाबत स्पीकर संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा और परामर्श करते हैं। अब आप सोचिए कि संसदीय कार्य मंत्री तो सरकार से ही आते हैं, तो जिस विषय पर चर्चा करना सरकार के लिए आरामदेह होगा उस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार होगी, और जिस विषय पर चर्चा करने से
सरकार अपने आप को आरामदेह या सहज महसूस नहीं करेगी, उस पर चर्चा करने से सरकार बचेगी और स्पीकर को यह कह दिया जाएगा कि जनता के लिए जो देश हित में व्यापक विषय है या सरकार द्वारा प्रस्तावित विषय देश हित के लिए अधिक महत्व का है। इसके पश्चात सदन के स्पीकर या सभापति महोदय सरकार की अनुशंसा के बाद ये तय करते हैं कि सरकार की बात में कितना स्थायित्व है। उसके बाद स्पीकर या सभापति महोदय विपक्ष को उस विषय पर चर्चा करने या नहीं करने का आदेश देते हैं, या आसान भाषा में समझिए मंजूरी देते हैं। आपने ऐसा कई बार सुना भी होगा सदन की कार्यवाही के समय या उसको देखते हुए कि स्पीकर महोदय या सभापति महोदय माननीय सदस्य को ये आदेश देते या अनुग्रह करते नजर आते हैं कि माननीय सदस्य कृपया विषय पर ही बोले। जब विपक्ष द्वारा प्रस्तावित विषय पर चर्चा नहीं होती तो विपक्ष सदन से वॉकआउट कर जाता है। ये भी सिलसिला आम है और ये विजुअल भी आम होते हैं सदन के समय। जब विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है तो जैसा कि आपने पिछले सत्र में भी देखा होगा, विपक्ष के सभी बड़े नेता सदन में मौजूद गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सरकार की नीतियां, जो विपक्ष की दूरदर्शिता के हिसाब से देश की जनता के हित के लिए नहीं है, उसके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते थे। संसद जो लोकतंत्र की सर्वोच्च विधायिका है, अब उसका गलियारा विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे विरोध के स्वर से संभवतः दूर हो जाएगा। अब शायद ही कोई विपक्ष का नेता उस कॉमन और स्वतंत्र स्पेस पर खड़ा होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा। शायद अब विपक्षी नेता बड़ी दुविधा में होंगे कि जब तक सदन में हो, सरकार और सदन द्वारा प्रस्तावित विषय पर चर्चा कीजिए, हंगामा किया तो संसद भवन के बाहर मार्शल छोड़ आएंगे। पहले तो भवन के बाहर ही तक छोड़कर आते थे मार्शल, अब हंगामा किया तो पता चला संसद परिसर के ही बाहर छोड़ना है। अब सदन में बैठना है तो प्रस्तावित विषय पर चर्चा कीजिए, हंगामा करने का मन है तो घर से ही ना आए, और आए भी तो हाजिरी बनाकर चले जाइए। अब संसद में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा भी राहत महसूस करेगी कि चलो अब कुछ तो नया होगा। अब सरकार के नीतियों के खिलाफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के परिसर में विरोध के स्वर सुनाई नहीं देंगे। लोकतंत्र में धाराशाही होते विपक्ष की आवाज से एक बात तो है, राष्ट्रपिता की प्रतिमा के आसपास अब बहुत शांति होगी। क्या राष्ट्रपिता को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में शांत होती विरोध की आवाज से उत्पन्न शांति से उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी? अगर हम एक नजर सदन में गिरते चर्चा के स्तर और उनकी संख्या पर डालें तो ये प्रतिबंध और चिंता उत्पन्न करने वाला है। अगर आजादी 1952 जब लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था, 1952 से अब तक बात करें तो स्थगन प्रस्ताव यानी आम बोलचाल की भाषा में या संसदीय भाषा में इंग्लिश मीनिंग है एडजॉर्नमेंट मोशन, में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। स्थगन प्रस्ताव मुख्य तौर पर विपक्ष द्वारा लाया जाता है जब विपक्ष किसी दूसरे देश हित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना या वो इच्छा व्यक्त करता है कि हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। तब जिस विषय के साथ विपक्ष स्थगन प्रस्ताव सदन में लेकर आता है, उस विषय का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के कार्यकरण से संबंध होना चाहिए तथा उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि भारत सरकार संविधान और कानून के किस उपबंध के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में सफल नहीं रही।
सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने के लिए किसी विषय को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की पूरी शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी, आम भाषा में स्पीकर महोदय, को प्राप्त होती है। और किसी मामले को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का कारण बताना पीठासीन अधिकारी के लिए आवश्यक नहीं है। सत्रावधि यानी सत्र की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ सेशन के दौरान स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन 10 बजे से पूर्व दी जानी आवश्यक है। यानी मान लीजिए कि 19 जुलाई को विपक्ष को स्थगन प्रस्ताव देना है, तो 10 बजे से पहले पहले सदन को विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पेश करना होगा। जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का विचार है, यानी जिस टॉपिक पे, यानी जिस विषय पर विपक्ष मुख्य तौर पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता है, अगर 10 बजे तक स्थगन प्रस्ताव सदन को नहीं सौंपा गया विपक्ष के द्वारा, तो इस अवधि के बाद, यानी इस टाइम ड्यूरेशन के बाद प्राप्त सूचना को अगली बैठक के लिए दी गई सूचना के रूप में माना जाएगा। यानी वो विषय कल के लिए चला जाएगा, या कल के लिए नियमावली में चला जाएगा, या प्रस्तावित हो जाएगा। नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है, तो अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। एक बार स्थगन प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के बाद सदन के लिए बिना किसी रुकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुंचना आवश्यक होता है। मान लीजिए किसान कृषि कानून बिल थे, तो अगर उस पर स्थगन प्रस्ताव पास होता, तो जब तक उसके रिजल्ट पर नहीं पहुंचा जाता, तब तक उस प्रस्ताव पर चर्चा निरंतर जारी रहती, और इसको ना ही स्पीकर महोदय खारिज कर सकते हैं, ना ही सरकार द्वारा प्रस्ताव ऐसा लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को विपक्ष द्वारा सदन में कई बार लेकर आया गया, लेकिन इस पर चर्चा निरंतर घटती रही। और हैरत की बात तो ये है कि 17वीं लोकसभा, यानी जो लोकसभा मौजूदा समय में चल रही है, 17वीं लोकसभा में अभी तक एक भी स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं मिली। आखिरी स्थगन प्रस्ताव शिरोमणि अकाली दल द्वारा लाया गया था विवादित कृषि कानून पर चर्चा करने के लिए। अगर वही संसद यानी लोकसभा में बजट पर चर्चा का इतिहास देखें, तो ये भी आजादी के बाद निरंतर कम हुई है। एक आंकड़े का जिक्र कर देता हूं मैं यहाँ पे। 1952 यानी 1952, वो साल जब लोकसभा राज्यसभा इस देश में आई, इस देश में बनी, 1952 में जहां बजट पर लगभग 100 घंटे तक चर्चा हुई, वहीं विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनने के मुहाने पर खड़े भारत में बजट पर चर्चा 2022 में 70 घंटे से भी कम रही। भारतीय संसद प्रणाली में कई तरह की समितियों का प्रावधान है। ये समितियां भारतीय संसद प्रणाली में 1993 में लाई गई। जिस बिल को सरकार द्वारा सदन के पटल पर रखा जाता है, उस पेश बिल पर अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें किसी तरह की संवैधानिक कमियां हैं, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि विपक्ष की शंकाओं को दूर करने और बिल पर या विधेयक पर व्यापक विशेषज्ञ चर्चा और सुझाव के लिए उस बिल को संबंधित समिति के पास भेज दिया जाए। लेकिन सरकार द्वारा पेश बिलों और विधेयकों को समिति के पास भेजे जाने की परंपरा में भी निरंतर गिरावट आई है। अगर हम 14वीं लोकसभा की बात करें, तो लगभग 60% विधेयक और बिलों को संसदीय समिति के पास भेजा गया। वहीं 17वीं लोकसभा यानी मौजूदा समय में 2022 में आते आते ये आंकड़ा 20% के आसपास ही रह गया, या यूं कह लीजिए 20% तक सिमट कर रह गया। अलग अलग संसदीय समिति में विपक्ष के सांसदों की संख्या भी सदस्य के तौर पर ठीक ठाक होती है। कई संसदीय समिति के तो अध्यक्ष भी
विपक्ष के नेता होते हैं जो सरकार के मंत्री संबंधित बिल से या संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाकर प्रश्न कर सकते हैं या उनके अनुशंसाओं को जो बिल में किए गए हैं कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और ये सरकार की जिम्मेवारी या संबंधित विभाग के अधिकारी की जिम्मेवारी होती है कि वो समिति के सभी तरह के संदेहों को दूर करें। अगर बात करें सरकार द्वारा पेश बिलों पर चर्चा के घंटों की, तो उसमें भी निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 16वीं लोकसभा में 14वीं और 15वीं लोकसभा की तुलना में अधिक चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा को व्यापक नहीं कहा जा सकता है। दर्शकों के लिए बता दें 16वीं लोकसभा का समय था 2014 से 2019। 16वीं लोकसभा में 133 विधेयक सरकार द्वारा पेश किए गए, लेकिन इसमें कई विधेयक और बिल ऐसे थे जो संख्या बल के आधार पर 30 मिनट से कम समय में ही सदन द्वारा पारित कर दिए गए। प्रश्नकाल एक संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा, जो सदन शुरू होने के प्रथम एक घंटे को कहा जाता है, प्रश्नकाल में भी सरकार द्वारा जवाब देने की परंपरा में कमी दर्ज की गई है। इस गंभीर समस्या पर देश के मुख्य न्यायाधीश भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। एनवी रमन्ना, देश के मुख्य न्यायाधीश, ने कहा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान कि विधेयकों पर व्यापक चर्चा ना होना लोकतांत्रिक परंपरा के लिए सही नहीं है, और कम चर्चा की वजह से पता ही नहीं चल पाता कि विधेयक लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब दर्शकों, बिना चर्चा के पास विधेयकों की परिणति से क्या उत्पन्न होता है? अभी हाल ही में देश उसका साक्षी भी बन चुका है। किसान आंदोलन आप भूले नहीं होंगे। किसान आंदोलन के रूप में जो लगभग 700 किसानों को लील गया और फिर सरकार को उस बिल को वापस लेना ही पड़ा। लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा और परिसर में एक व्यवस्थित तरीके से विपक्ष की आवाज को खत्म करना सही लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसी संसद में देश की राजनीति के अजात शत्रु और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी बराबर की भूमिका है। ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि क्या वो संख्या बल के आधार पर संसद को एक रबर स्टैंप बना देना चाहती है? क्या वो विपक्ष की आवाज को सड़क से सदन तक शांत कर देना चाहती है? क्या अब सत्ता तय करेगा कि उसके सामने बैठने वाला विपक्ष कौन कैसा हो और वो कितना बोले? लोकतंत्र में विधायिका मतलब अब क्या सिर्फ सत्ता पक्ष होगा? विधेयकों पर कम चर्चा का ही नतीजा है कि विधायिका और न्यायपालिका में तकरार बढ़ती जा रही है। चर्चा कम होती है, बिल का मुख्य उद्देश्य समझ नहीं आता विपक्ष को, विपक्ष उस बिल को और विधेयक को लेकर सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे देता है, जिस कारण विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ जाती है। संसद और संसद का परिसर हमेशा जीवंत लोकतंत्र का एक परिचायक होता है, लेकिन अगर इसी तरह नए नियमों के तहत विपक्ष की आवाज को शांत किया जाता रहा तो राष्ट्र मंत्र और लोकतंत्र की परिकल्पना बिना विपक्ष अधूरा और मूर्धन्य समान प्रतीत होगा। सत्ता हो या विपक्ष, गांधी सबको पसंद है, और वो एक ऐसी संसदीय व्यवस्था चाहते थे कि संसद में ऐसे सदस्य जाएं जिनका समाज से गहरा जुड़ाव हो, किसी को अपनी बात रखने के लिए झुंड में शामिल ना होना पड़े। इसलिए गांधी के आदर्शों का चोगा तो सब पहने हुए हैं, लेकिन गांधी के आदर्शों पर चल कितने राजनेता और पार्टियां रही है, अब समय है उस बात की विवेचना करने का।
आज इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।